ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी फरुखाबाद की, जहां जल्द ही होगा महापंचायत का आयोजन। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने और बताएंगे कैसे टीकमगढ़ में हत्या करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फरुखाबाद के कानपुर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट में बताया कि महापंचायत और 9 जून को राजेपुर में, 12 जून को जहानगंज में होगी महापंचायत, जिसमें उनकी मांगे होंगी कि आवारा पशुओं को लेकर और जहानगंज में जो थाने के पास में राजेश कटियार वाली जमीन है, वह राजेश कटियार को जमीन दी जाए। ऐसे कई एक मुद्दे हैं जिनको लेकर हम वहाँ पंचायत करेंगे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन शिकायत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 तारीख को आप जहानगंज में कर रहे हैं, तो उस महापंचायत में वहाँ पर क्या आपकी समस्याएं थी? वहाँ समस्याएं हैं, वहाँ भी किसानों की जमीनों की समस्या है। एक राजेश कटियार जी हैं, उनकी जमीन सरकार स्वयं अपने हथिया रही है। सरकार कहती है कि हम किसानों को शोषण नहीं होने देंगे, किसानों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन स्वयं सरकार किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। जैसे थाने में हो रहा है कि राजेश कटियार की जमीन स्वयं थाना बना रखा और 81 नंबर जो उनका तना है उस पर भी लेखपाल ने रोक लगाई है कि वहाँ नहीं बनेगा, और 82 नंबर मिल जुलना है। अरे भाई नेपालो, इनकी इनके हिस्से की छोड़ दो। अरे हम अपनी ही जमीन लेना चाहते हैं, हम दूसरे की जमीन नहीं लेना चाहते। सरकार की जमीन भी हमारा अधिकार नहीं है, हमारी जमीन है जो किसानों की, उस पर हाथ जो रखेगा बर्दाश्त नहीं होगा। फरुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर के जमानिया रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने मौर्य वंशियों समेत गाजीपुर की जनता जनार्दन से अपील कर कहा कि 1 जून को 75 लोकसभा गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय को भारी मतों से जिताकर प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार नारे के लक्ष्य को गाजीपुर से एक सीट कमल का फूल खिलाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। फिर हम गाजीपुर में 2014 से 2019 जैसी चौमुखी विकास गाजीपुर में और तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व विधायक सुनीता सिंह, सुभाष पासी, विजय मिश्रा, पूर्व एमएलसी केदार सिंह, अभिनव सिन्हा, चेयरमैन अविनाश जायसवाल, रानी पासी, रीना पासी, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, कृष्ण बिहारी राय, रमाशंकर उपाध्याय सहित आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस का बहुत दिनों बाद फिर से मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें पुलिस डायल 112 पीआरवी 5148 वाहन पर तैनात सिपाही सुरेश सब लोग पशु पक्षियों से प्रेम रखते हैं। जैसे आज देखने में आया, इतनी भयंकर गर्मी में हवा में पेड़ों पर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, जो बेचारे पानी के कारण प्यासे मर जा रहे हैं। ऐसे ही आज कांस्टेबल सुरेश सब लोगों का बहुत दिनों बाद फिर मानवीय चेहरा सामने आया। इन्होंने पुलिस ऑफिस, पुलिस लाइन, अन्य जगहों में हरे भरे पेड़ों पर बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कसूर लटकाए। पशु पक्षी प्यास से ना मरे, बेजुबान पक्षियों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, उनकी दुआ 7 पुष्टों तक पहुंचती है। इनका कहना है कि पक्षी पानी पीकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवांश की रिपोर्ट। तैराकी सीखने सिखाने की एक अनोखी मिसाल। बता दें कि अनोखी मिसाल कमलेश कुमार लक्षिकार, जिनकी चूड़ियों की दुकान कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश में है। लॉकडाउन के समय में कोविड की गाइडलाइन को लेकर इनकी दुकान बंद हो चुकी थी। उस दौरान लक्षिकार ने, जो स्वयं एक कुशल तैराक है, सोचा क्यों ना खाली समय बैठे रहने से अच्छा है कि कस्बे में ही स्थित बड़े तालाब हरदौल घाट जाकर बच्चों को तैराकी सिखाई जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। वर्तमान समय में भी बच्चों को एक अनोखे अंदाज से तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 50 बच्चों को गर्मी के मौसम में तैराकी सिखा चुके होते हैं, जिसका कोई भी शुल्क किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाता। इन्होंने एक अनोखे अंदाज में खाली कैटियों को लेकर उसमें कपड़ा बांधकर बच्चों की कमर व सीने से बांधकर तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है तथा कुछ अभिभावकों का कहना है कि शासन प्रशासन एवं नगर पंचायत कुलपहाड़ को भी लक्षिकार जी के इस प्रशिक्षण कार्य में सहयोगी होना चाहिए। नाम कमलेश कुमार लक्षिकार जी, चूड़ी वाले कहते हैं हमको। जी सर, अभी आप बच्चों को तैराकी सिखा रहे थे। हाँ। ये सर कब से सिखा रहे हैं आप? करीब जब से जो है लॉकडाउन लगा लॉकडाउन लगा लॉकडाउन में जो है यहाँ आती थी, टाइम कटता नहीं था,
यही सिखाती रहती थी। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको ये कट्टिया वगैरह लगा करके, ये कैसे आइडिया आया सर? ये हमने जो है देखा जी, बच्चे जो है तैरते नहीं है, वो कट्टी बांध के सिखाने से, पहले हम लोग पैजामा खुला के सीखते थे, अब कट्टी आ गई तो हमने कट्टी से और बढ़िया सुविधा है, किसी आराम से डूबेंगे, डूबने का चांस भी नहीं है और बच्चे सीख भी सकते हैं। कितने बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं? हम हर साल लगभग 50 बच्चे सिखाते हैं, लगभग सीख जाते हैं। क्या कोई शुल्क वगैरह लेते हैं? शुल्क कोई नहीं है जी, केवल समय है 1-1.5 घंटे का जी, और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ये जो बच्चे सीख रहे हैं तैराकी, आगामी भविष्य में सीख जाएंगे ये, इनके लिए क्या उपयोगी होगी ये तैराकी? हमारा ये है विचार कि हर बच्चा सीखे, तैरना सीखे, कहीं नदी नालों में जो है बच्चे डूब जाते हैं लोग बाग, तो ना डूब सकें, और जो है लोग बाग स्विमिंग पूल में जाते हैं और इंजॉय लेते हैं, तैर नहीं पाते हैं, तो इसी उनका डर खत्म हो जाए, वो वहाँ भी इंजॉय कर सकें। गुड़िया क्या नाम है आपका? क्या अभी आप नहाने गई थी, तैरने गई थी, क्या हुआ था, कैसा महसूस कर रही थी, कैसा फील कर रही थी आप? अच्छा लगा आपको? नहीं लगा? डर लग रहा था आपको? हैं, सभी लोग तैर रहे हैं, आपको डर लग रहा था? अच्छा लग रहा था, फिर क्यों आप क्यों बाहर आ गए? कल जाएंगे यहाँ पे, हैं? ठीक है, ओके जी। सर क्या नाम है आपका? के रहने वाले हैं। ये सर ये कौन सा तालाब है? ये बड़ा तालाब नाम से जाना जाता है जी, और एक घाट हरदौल घाट है जी, और यहाँ पर सुबह से बहुत सारे लोग घूमने आते हैं जी, ठंडी हवा मिलती है, शुभ मौसम, बच्चे आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तैरते हैं। इन बच्चों के विषय में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको कि जो यहाँ के जो ट्रेनर महोदय देखे जा रहे हैं और बच्चे भी देखे जा रहे हैं, इन्होंने ये अनोखा तरीका निकाला है और सभी बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये कहाँ तक सही है और इनसे बच्चों पर कितना फर्क पड़ेगा स्विमिंग को लेकर के, और क्या इनके लिए फ़ायदा होगी स्विमिंग में? निश्चित रूप से मेरा जो मानना है, जीवन में स्विमिंग करना तैरना बहुत जरूरी है, बच्चों को पता नहीं कहाँ ऐसी जरूरत पड़ जाएगी पानी में तैरना पड़े, और अगर तैरना नहीं आता है तो डूबने की संभावना होती है, और सिखाने के लिए यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, सब अपने ही बच्चे हैं, और केयर करने के लिए जो ट्रेनर के रूप में आपने देखा वो केयर करने के लिए बैठे। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। टीकमगढ़ थाना दिगौड़ा अंतर्गत दिनांक 25 मई को फरियादी महेंद्र पिता स्वर्गीय भागीरथ बुनकर चड़ार उम्र 26 साल निवासी वीगा थाना दिगौड़ा द्वारा थाना आकर अपने पिता भागीरथ पिता बल्दू बुनकर उम्र 50 साल निवासी वीगा के उक्त दिनांक 25 मई को छत से गिर जाने से आई चोटों के कारण मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट पर थाना पर मर्ग कायम कर 18-24 धारा 174 का कायम कर जांच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट एवं एफएसएल जांच से उक्त घटना संदेहास्पद पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा उक्त घटना की सही ढंग से जांच कर घटना के खुलासे हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया। एफएसएल पीएम रिपोर्ट जाँच के आधार पर मृतक के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक भागीरथ बुनकर के लड़के महेंद्र बुनकर, मृतक की पत्नी एवं लड़की द्वारा मृतक को लाठी कुदाली से मारपीट कर मृत्युकारी चोटें पहुंचाई गई, जिससे भागीरथ बुनकर की मृत्यु हो गई। आरोपियों ने पूछताछ पर जुर्म करना स्वीकार किया, जो प्रकरणों में आरोपीगढ़ के मेमोरेंडम कथन लेख कर जब्ती कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। घटना का कारण मृतक के द्वारा लगातार अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। घटना दिनांक को भी मृतक द्वारा पत्नी की मारपीट की जा रही थी, जिससे तंग आकर मृतक की पत्नी बेटी एवं लड़के द्वारा मृतक की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी गई। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमपी गौड़, थाना प्रभारी दिगौड़ा, उप निरीक्षक नीरज कुमार लोधी, सह उप निरीक्षक कल्याण सिंह यादव, सह उप निरीक्षक मुन्ना लाल, विजय सिंह, राकेश घोष, मुकेश राय, आरक्षक शैलेंद्र रावत, पंकज साहू, अंकित साहू, कल्पना साहू, राखी यादव की सराहनीय भूमिका रही। ये थाना दिगौड़ा में दिनांक 25 मई 2024 को महेंद्र बुनकर ने थाने में रिपोर्ट किया कि उसके पिता भागीरथ छत से गिर के खत्म हो गया है, जिसकी घटनास्थल स्व परीक्षण पीएम रिपोर्ट और
मृतक के परिजन, महन बेटा महन, पत्नी उद्देती, लड़की मनीषा से पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि मृतक के परिजन लड़का महन, पत्नी उद्देती, लड़की मनीषा के द्वारा जो है लाठी और कुदाली से मारपीट हत्या कर दी, क्योंकि मृतक जो है उसकी पत्नी उद्देती को मारपीट करके परेशान करता था, जिसके कारण उसकी हत्या की घटना घटित की गई। सर कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें 3 आरोपी शामिल है, वह लड़का महन, पत्नी उद्देती और लड़की मनीषा के द्वारा यह घटना घटित की गई है और 3 आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। सर आरोपी से पूछने के बाद क्या पता चला, उन लोगों ने क्या बताया कि कैसे परेशान करता था, क्या क्या करते थे? ये जो आरोपी की पत्नी है उद्देती, उसके साथ में मारपीट करके काफ़ी समय से परेशान करता था, इसी परेशानी के कारण यह घटना घटित की गई। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया इन लोगों पर? इसमें धारा 302, 201, 34 के तहत मुकदमा दायर करके गिरफ्तार किया गया, विवेचना में। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।